और आपको बताते चलें, टिकटॉक के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर। पीटीए ने टिकटॉक ऐप टिकटॉक इंतजामिया को जवाब जमा करवाने की मोहलत दी थी। टिकटॉक के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर सामने आ गई। पीटीए ने टिकटॉक ऐप पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी गैर अखलाकी मवाद शेयर करने पर लगाई गई। टिकटॉक के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर सामने आ गई। पीटीए ने टिकटॉक ऐप पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी गैर अखलाकी मवाद शेयर करने पर लगाई गई है। पाबंदी अवामी शिकायत के बाद लगाई गई है। टिकटॉक इंतजामिया को जवाब जमा करवाने की मोहलत दी गई थी, ऐसा कहना है तर्जमान का। इस हवाले से मजीद जानते हैं सज्जाद काजमी से। जी सज्जाद, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, पीटीए की जानब से जो है टिकटॉक जो है वीडियो शेयरिंग ऐप उस पर पाबंदी लगा दी गई है और जो टिकटॉक यूजर अंक लिए बुरी खबर है। और पीटीए का सरगमान का ये कहना है कि टिकटॉक पर खैर इलाकी मवाद शेयर करने पर जो है पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी अवामी शिकायत के बाद लगाई गई है और बहुत ज्यादा शिकायत मौसूल हो रही थी। इसके कबल टिकटॉक को जो है जवाब जमा करवाने के लिए मदद भी की गई थी, जिस पर उन्होंने कोई जवाब जमा नहीं कराया। ना ही जो कि नए कवानीन के मुताबिक इन हफ्तों के दौरान जो है उनका सोशल पर्सन मुकर्र करना था किसी भी जो है सोशल मीडिया साइट को पाकिस्तान में, लेकिन वो भी पीटीए की तरफ से मुकर्र नहीं किया गया था और ना ही पीटीए जो है गैर इखलाकी मवाद दिखा रहा था। उस पर आज ये पाबंदी लगाई गई है और आज से ये नाफज़ अल अमल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया सज्जाद काजमी।